93 का ये एक इंपॉर्टेंट ईयर है, गांधी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट 1893। गांधी जी के पिता थे करमचंद और करमचंद के ही दोस्त हुआ करते थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी थे जिनका मुख्य व्यापार चलता था कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। दादा अब्दुल्ला हिंदुस्तान आए थे, दादा अब्दुल्ला भारत आए थे घूमने के लिए। और जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार अपने मित्र करमचंद गांधी से मिल लूं। जब वो करमचंद गांधी से मिलने उनके घर पर आए तो आप तो जानते हैं भारतीय आदमी इफ करने में कसर नहीं छोड़ता है। करमचंद गांधी ने अपने बेटे मोहनदास के बारे में खूब बढ़ चढ़ कर बखान किया दादा अब्दुल्ला से कि मेरा बेटा बहुत बड़ा बैरिस्टर बन गया है, बहुत बड़ा वकील है, लंदन से पढ़कर आया है। परिणाम ये हुआ कि दादा अब्दुल्ला को लगा कि बिल्कुल इनका बेटा एक बहुत अच्छा बड़ा वकील है। दादा अब्दुल्ला ने करमचंद से कहा कि अगर आपका बेटा इतना अच्छा वकील है तो इससे कहिए कि मेरा एक मुकदमा फंसा हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है, उस पर कोई कंक्लूजन आ नहीं पा रहा, मेरा केस देख लें। ये एक अपॉर्चुनिटी थी किसके लिए, गांधी के लिए। तुरंत ही बुलाया करमचंद ने मोहनदास को, मोहनदास इधर आओ, कर चू पहले है ना, और मालूम है कि तुम बहुत बिजी चल रहे हो, मालूम है तुम्हारे पास बहुत मुकदमे हैं, भले एक भी नहीं था यहाँ पे, लेकिन ये हमारे मित्र हैं, तुम्हें इनका मुकदमा देखना है, ना मत करना, मुझे ना नहीं सुनना है। नतीजा गांधी के लिए अपॉर्चुनिटी थी और गांधी को एक अच्छा केस चाहिए था। परिणाम 1893 ही वो वर्ष था जब दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 गांधी के जीवन का एक टर्निंग ईयर। 1893 गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने साउथ अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं।